देशभर में रंगों का त्यौहार होली की शुरुआत हो चुकी है। वहीं प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल शयन आरती भक्त मंडल द्वारा होली का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भगवान के साथ जमकर होली खेली और खूब रंग गुलाल उड़ाया। पूर्णिमा पर महाकालेश्वर मंदिर और माता हरसिद्धि मंदिर के बीच स्थित महाकाल वन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में शिव और पार्वती प्रतीकात्मक रूप में शामिल हुए। मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ आ गए हैं। जब यहाँ शिव पार्वती स्वयं नाचने लगे तो भक्त भी अपने आप को रोक नहीं पाए और झूमते गाते नजर आए। इसके साथ यहाँ भक्त भगवान कृष्ण और राधा के रूप में भी नजर आए। महाकाल शयन आरती भक्त मंडल द्वारा आयोजित होली में महाकाल भक्तों ने भगवान के साथ होली खेली और जमकर रंग गुलाल उड़ाया। जी पंडित जी, बताएं किस प्रकार की यहाँ पर होली का आयोजन किया गया है? अवंतिकाया महितावतार मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम सुरेश्वरम। पूरे विश्व में ये पर्व मनाया जाता है। बाकी भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में सबसे पहले ये पर्व मनाया जाता है। इसमें रंगों से होली खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं, और जो भी भक्त होली खेलते हैं वो अपने आप में धन्य मानते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। सब परिवार सहित बाल बच्चे वृद्ध लोग भगवान महाकालेश्वर के साथ में होली खेलते हैं, शिव पार्वती के साथ में होली खेलते हैं। एक अनोखी अनोखी परंपरा है। लखपति करोड़पति व्रत जो भी है अपने आप को एक लाइन में सब लगा के एक ही रंग में सब भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से रंग में लग जाते हैं। उसमें कोई भी ऊंच नीच छोटा बड़ा सब बराबर के हिसाब से चलते हैं। पंडित दिनेश पुजारी महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, और सबको होली की शुभकामना। जय महाकाल। आप लोगों ने आयोजन किया है आज यहाँ पर होली के उपलक्ष्य में महाकाल शयन आरती भक्त मंडल परिवार द्वारा होली खेली गई थी। उसके पश्चात यहाँ पर होली का आयोजन किया गया था। शिव पार्वती जिस तरह से महाकाल वन में होली खेलते उस तरह दर्शाया गया था। बाबा की प्रिय भांग को यहाँ पे घोटा गया था तथा बाबा जो चीलम का सेवन करते हैं उसका सेवन करते हुए यहाँ पर दिखाया गया था। उसके पश्चात रंग गुलालों से होली खेली गई थी और सभी मेरे महाकाल शयन आरती भक्त परिवार के सदस्य इसमें सम्मिलित थे। राजा पांचाल, हरीश पाटीदार, अनुदीप जी गंगवार, यशवंत उपाध्याय। मेरा नाम राघव बांगड़िया, वर्तमान अध्यक्ष। किस प्रकार का आयोजन है आपका? ये भगवान महाकाल और माँ भगवती की होली है और आज शाम को भगवान की होली मंदिरों से मना के वृंदावन जिस तरह 8 दिन चल रही, ऐसे महाकाल की होली भी 8-10 दिन से चल रही है भोलेनाथ की। और ये जो डेली जो जितने भक्त देख रहे हैं, इस डेली के भगवान के भक्त हैं। और इसके अंदर भगवान शंकर पार्वती एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामना देते हैं और चौपट भी खेलते हैं। और ये महिला मंडल जो महाकाल भजन गाती है वो यहाँ आज भजन गा रही है। क्या नाम है? महेंद्र कटियार। आपने आयोजन किया है यहाँ पर महाकाल उज्जैन मंदिर में। यहाँ पर महाकालेश्वर द्वारा उनके स्वरूप द्वारा यहाँ पर होली खेली जाती है और यहाँ पर जो शयन आरती भक्त मंडल है उनके द्वारा यहाँ पर पूरा ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने चौसर खेल के रंग गुलाल उड़ा के भस्म से और पूरी भभूति से हम लोगों ने होली खेली है। यहाँ पर जो शमशान की होली होती है उस तरह से सारी यहाँ पर हर्ष उल्लास के साथ हम लोगों ने होली का ये उत्सव मनाया है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है, महाकाल आर्ट एंड डांस ग्रुप से। आज किस प्रकार का आपने आयोजन किया है? हमने यहाँ पर होली का उत्सव मनाया है। यहाँ पर उज्जैन में हर वर्ष होली का उत्सव मनाया जाता है। जिस तरह आप देख रहे हो कि नंदी भृंगी शंगी और भूत पलितों के साथ में हमारे शयन डमरू द्वारा ये आयोजन किया जाता है। हम हर वर्ष इसी तरह से पोशाक पहनकर भोलेनाथ शिव पार्वती जी की हम लोग यहाँ झांकी देते हैं। मेरा नाम जयश्री, महाकाल आर्ट एंड डांस ग्रुप से ख्वाहिश शर्मा है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।